बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड गुड। आज से जी रमज़ान की पहली सहरी, तो मैंने सोचा चलो जी आज अपने घर की छोटी सी एक वीडियो तो बना लूँ सहरी की। और ये देखें जी ये कहाँ पे चढ़ के बैठे हुए, इनका अपना वखरा रोला होता है कि भाई मुझे दे दो सबसे पहले। यहाँ पर जो है ना मैं ओवन में कर रही थी सालन गरम, और यहाँ पर जो है मेथी बनाई थी मामा ने, और यहाँ पर चाय बन रही थी, बल्कि बन चुकी थी, सब पी भी चुके थे, बस मैंने वीडियो बाद में बनाई। यहाँ पर भाई साहब की हमने बना ली थी लस्सी, मुझे भी मम्मा बोल रही थी लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं कुछ भी खाऊं पीऊं। और ये देखें जी माँ के हाथ का खाना तो एक अलग ही टेस्ट देता है, यकीन करें इतना मज़े का टेस्ट आता है ये खाकर, कभी तो अपना भी बनाया हुआ इतना अच्छा नहीं लगता जितना माँ का अच्छा लगता है हाथ का। और ये देखें मैं अपने भाइयों की वीडियो कैप्चर करी थी जो कि नहीं करवा रहे थे, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती कर ली। और यहाँ पर सुबह सुबह पहले तलावत लगी हुई थी और सबने सहरी कर ली थी, और यहाँ पर मेरे दादा वो बैठे हुए थे, उन्होंने सबको अपने पास बिठाया होता है कि चलो भाई मेरे साथ बैठो और ये सुनो। इस वाले भाई को तो बहुत नींद आई हुई थी लेकिन उसको ज़बरदस्ती जगाते कि नहीं उठो मैंने नमाज़ अदा करके आनी है। फिर जी मेरा दिल किया यार मैं कुछ और ही खा लूँ रोटी, क्योंकि मैंने पूरी नहीं खाई थी, मतलब खाई तो पूरी थी लेकिन ना दिल नहीं कर रहा था ज़बरदस्ती खाई। मैंने सोचा पहले स्ट्रॉबेरी खाती हूँ, जो मैंने खाई तो यही शदीद खट्टी थी, तो मैंने सोचा मैं अपना फेवरेट मेलन खरबूजा खाती हूँ, तो मैंने वो ले लिया। फिर यहाँ पर बनाना उसकी तो हालत कुछ इस तरह खस्ता थी कि मैं क्या ही बताऊँ। खैर फिर मैंने मेलन लिए दो क्योंकि भाई ने भी खाना था, तो फिर मैंने इनको कर लिया कट। बस मुझे ऐसे टूटे फूटे से कट करने आते हैं, इसका किसी ने मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है ना। तो जी यहाँ पर मैंने और मेरे भाई ने फिर खाए, मैंने बाबा को भी बोला तो साथ में वो भी खाते रहे। फिर जब मैं सुबह उठी हूँ तो फिर मुझे पता चला कि जो अदन मैडम है वो अपने मामू को उठाने में बिजी है। फिर मैं आई मैडम के पास तो ये मेरे पास आ ही नहीं रही थी, यकीन करें अदन आज पाकिस्तान आई हूँ मेरे पास तो अदन आती ही नहीं है, होती ही अपने नाना बू नानू और मामू और खाला वगैरह के पास है। यहाँ पर फिर दोपहर का टाइम हुआ और आप लोगों को पता है कैसे इन्होंने अचानक रोज़ा करवा दिया, तो मामा यहाँ पर बना रही थी समोसे और यहाँ पर पीठी बन चुकी थी, तो बाकी साथ साथ काम चल रहा था, तो साथ साथ ही मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि आज मैंने बनाने थे ओट्स का, ओट्स जो होते हैं ना शोरबा उसका जो अरबी बनाते हैं वो बनाना था मैंने, जो मैं सऊदीया में भी पिछले साल बनाती थी, तो आज मैं बड़ी शौकियाँ मार रही थी कि आज तो मैं आप लोग को वो बना के खिलाऊँगी। और लिटरली यार किसी ने भी इतना ज़्यादा खाया क्योंकि इन लोगों को वो खाने की आदत नहीं है, मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता ही पड़ी थी, मुझे भी शुरू में ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इसकी रेसिपी भी फुल मैं आप अपने चैनल पर डाल दूँगी, ये बहुत हेल्दी होता है, जो अब्रॉड रहते हैं वो तो ये ज़रूर बनाएं। अरीश तुम भी ये ज़रूर बनाना, ये बहुत मज़े का बनता है, मैं रेसिपी फुल शेयर कर दूँगी। और जी ये देखें ताज़ा मैंने सोचा चलो इसकी भी छोटी सी मैं एक क्लिप डाल दूँ, आप लोगों ने ज़रूर बनाना है, ये बहुत मज़े का बनता है और फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेल्दी बहुत होता है। तो ये अपनी सहरी में बना लें, आप लोग अब सारी में बना लें, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग कब बनाना चाहते हैं। सारी में ज़रा टाइम होता है तो बनना ही बना लें, तो सहरी में बनाना हो तो फिर आप लोगों को जल्दी उठना पड़ेगा। तो खैर मेरी तो पाकिस्तान में आके मौजें लगी हुई हैं, कोई सहरी नहीं बनानी पड़ती, कोई अफ्तारी नहीं बनानी पड़ती, यदि सारा कुछ बना बनाया सामने आता है, मामा बना लेते हैं और हम खा लेते हैं, ये हिसाब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं, पिछले साल वाले रोज़े भी बहुत अच्छे थे क्योंकि तब हस्बैंड के साथ थे और हस्बैंड मेरी इतनी हेल्प करते थे माशाल्लाह, तब भी मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता था, हस्बैंड ही कर लेते थे। और ये देखें ये मामू भांजी जो है ना कैसे आराम से बैठ के कार्टून इन्जॉय कर रहे हैं, तो मैंने इनका भी एक क्लिप डाल दिया। और लाइट देखें, लाइट के क्या हालात है पाकिस्तान में भाई, क्या कह सकते हैं, यहाँ पर तो लाइट ने इतना तंग किया हुआ है जिसकी अभी और शक्ल अल्हम्दुलिल्लाह अभी इतनी गर्मी नहीं है, गर्मी हो तो पता नहीं क्या हो। और ये देखिए जी मामा ने आधे घंटे के अंदर कितने सारे समोसे बना लिए, अब अभी ये सिर्फ एक पट्टी थी और दूसरी पट्टी के बने थे। और जी यहाँ पर बनेंगे मज़ेदार से पकौड़े मामा के हाथ के, माओ के हाथ के तो खानों की तारीफ में क्या ही करूँ, ये कोई मुझसे पूछे क्योंकि मैं डेढ़ साल जिस तरह रही हूँ ना, मुझे बताए मुझे बार बार खान मामा के हाथ का खाना याद आता था। और ये देखिए कितने छोटे छोटे से बनानास हैं, मैं अम्मा को हंस रही थी, मैंने कहा मामा वहाँ पर तो ये एक बाइट होता है इतना बड़ा है, जितना छोटा सा बनाना है वहाँ पर कितना बड़े होते हैं। और बाद में मेरा फेवरेट मंकी आ गया यार, इतनी कोई मुझे खुशी हुई, इतनी कोई मुझे खुशी कि मैं आपको क्या बताऊँ,
इतना मुझे पसंद है ना मंकी, इवन कि मैं तो अपने बाबा के साथ जिद भी करती थी शादी से पहले कि मुझे एक मंकी बेबी ले दे, मुझे मंकी बहुत पसंद है छोटे बेबी। और यहाँ पर जब ये बंदर अपना तमाशा दिखा रहा था, फिर मैंने इसकी छोटी सी वीडियो क्लिप डाल दी। यही तो पाकिस्तान के रोने के, और यही देख के तो मज़ा आता है। फिर यहाँ पर जी हम लोग बना रहे थे समोसे, फ्राई करी थी मैं पास खड़ी होकर और वीडियो बना रही थी। और गैस के तो मैं आपको क्या ही बताऊँ क्या हालात थे। और ये पकौड़ों का भेजा भी तैयार था, अभी मैंने अपने बाबा को बोला कि आज आप मुझे बना के दें ज़रा समोसे, तो बोलते हैं ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, आज मैं बनाऊंगा। तो बस फिर मैंने कर दिया उनको किचन में खड़ा, मैंने कहा चलें जी आज आप हमें बना कर देंगे। और ऐसी कोई नज़र लगी हमारी गैस को यार, साथ ही गैस चली गई जिस तरह बाबा आए किचन में बनाने के लिए। और चलो जी गैस ख़त्म। और यहाँ मैं और बाबा गप्पे चला रहे थे अपने, और ये देखिए अभी सिर्फ इतना सा सामान बना था और ये गैस चली गई थी। फिर जल्द जल्द हम लोगों ने करवाया, सिलेंडर भरवाया और उसके बाद थोड़ी बहुत अफ्तारी बनाई। पाकिस्तान के भाई बहुत बुरे हालात हो गए हैं। और यहाँ साथ साथ मामा जो है ना फलियाँ बना रही थी जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हनी ये देखें आपको पसंद है, हनी को बहुत पसंद है मेरे हस्बैंड को फलियाँ, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और यहाँ पे मामा बना रही थी फ्रूट सैलेड, इसकी तो अपनी बात होती है, ये मैं हर दफ़ा इतने शौक से बनवाती हूँ और बाद में मेरा बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं करता। और ये दही भल्लों का थोड़ा सा सामान था, अभी दही भल्ले भी बनाएंगे। और ये देखिए कितना मज़े का मेरा सूप रेडी हो गया, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत ही मज़े का लगा था भाई, मैंने तो खाया भी था क्योंकि मैं तो हैबिचुअल हूँ ये खाने की, क्योंकि मैं सऊदी में ये बनाती होती थी, अपने हस्बैंड से सीखा था मैंने ये भी बनाना। और बस इतनी आज की जो है ना हमारी अफ्तारी रेडी हुई थी। और ये हमारी आज फर्स्ट डे की अफ्तारी थी, इंशाल्लाह न्यू रेसिपीज लेके आऊँगी आप लोगों के साथ। बस यहाँ भाई गैस का बहुत रोल है, इस वजह से मैं इतनी कोई वीडियो बनाती बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी ये तो बस डिपेंड करेगा टाइम पर और हमारी लाइट और गैस पर। तो होपफुली आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यहाँ पर हमारी अफ्तारी हो गई थी डन। तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना, मुझे अपनी दुआओं में आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये जो मेरा माशाल्लाह ये जो भाई है ना अल्लाह खाने की तबाही मचाई होती है, अन्नी मचाई होती है इसने, सब खा के फारिग हो जाएंगे, ये उधर का उधर ही होगा। खैर हुई रात को नाइट लेट क्रेविंग, तो मैंने भाई से मंगवा लिया शवारमा। और ये शवारमा खाने के लिए सऊदी में कसम से मैं तरस गई थी, इतना मुझे मज़े का लगता है। साथ मैंने डाली फिर 7 और मैंने अपना इन्जॉय किया शवारमा। तो होपफुली आज का व्लॉग मज़े का लगा होगा आप लोगों को। तो आपने मुझे भूलना नहीं, अपने दुआओं में याद रखते हैं। और फिर यहाँ पर व्लॉग को करते हैं एंड, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।